हमने 70,000 रुपये का रिचार्ज कराया, करीबन 365 रुपये होते, इससे सस्ता क्या चाहिए यार। अपने इंडिया में भी 30 रुपये का मिलता है। 1, 2, 3, 4, 5 लाख रुपए हम यहाँ आके मिलीनियर बन गए। फॉरेनर काफ़ी आते हैं यहाँ पर, ये देखिए आप फॉरेनर, अल्टीमेट है यार बाली भी। आने वाले टाइम पे मैं 1-1.5 महीना रहने वाला हूँ यहाँ पर, काम भी मैं यहीं करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा पूरे देश को, बाली को। वेलकम बैक गाइस, न्यू डे, अनदर ब्लॉग, न्यू ब्लॉग। बाली का फर्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने। लेट हो गए, करीबन 1:30 बज गई है अभी यहाँ पर, तो अब जाएंगे और 2-3 चीज़ें और करनी है और लोकेशन देखनी है आसपास की क्या है क्या है, उसको एक्सप्लोर करेंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ वहाँ जाके आगे की क्या डिटेल से क्या रिव्यू है। तो मेरे साथ बने रहिए गाइस, आगे डिटेल में देता हूँ। वेलकम बैक गाइस, मैं जा रहा हूँ अभी बाइक लेने और पेट्रोल यहाँ पर है 36 रुपीज़ इंडियन रुपीज़, मतलब 7,000 रुपये, 7,000 रुपये कन्वर्ट कर लो आप, 50 एंड 52 रुपये होते हैं 10,000 रुपये यहाँ के, तो पेट्रोल का ये प्राइस है। बाइक लेते, बाइक 300-350 तक मिल जाती है यहाँ, हाईएस्ट 500 तक, बढ़िया वाली क्वालिटी की। और अपने जो इंडिया में बाइकें चलती है एक्टिवा एक्टिवा उस टाइप की होती, मगर वो बहुत पावरफुल इंजन की होती है, मोटे मोटे टायर्स होते हैं उनके और अल्टीमेट गाड़ियाँ होती हैं, मतलब इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुई वो गाड़ियाँ। और अभी लेते हैं वो बाइक रेंट पे 1 दिन या 2 दिन का, जैसे सूटेबल होता है, और पैसे निकालते हैं। अभी तक 1 रुपये भी नहीं है इंडोनेशिया में, आगे बाली में जेब में, एटीएम से पैसे निकालेंगे। ऑलरेडी इससे मैं, मेरे पास टेलकॉम सेल की और सबसे बेस्ट नेटवर्क है इंडोनेशिया का, टेलकॉम सेल बाटा में परचेज़ करी थी सिम, 400 समथिंग की पड़ी थी सिम मेरे को, और 10 GB का डाटा, 10-12 GB का डाटा मिला था 400 रुपये में, और मुझे वो जकार्ता में भी काम आ गई। लास्ट ट्रिप जो मैंने जकार्ता बाटम की करी थी, तो वही सिम मेरे पास अभी पड़ी हुई थी, तो अब देखते हैं उसमें नेटवर्क आ रहा है। मैंने सिम लगा ली अपने मोबाइल में और उसमें रिचार्ज कराऊँगा अब मैं, और फिर घूमने निकलेंगे एक्सप्लोर करने आसपास की जो जगह हैं, लोकेशन है उनको, क्योंकि यहाँ बिना बाइक के आपको घूमने का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि टैक्सी बहुत महंगी है, हाई रेट्स बोलते हैं टैक्सी की काफ़ी, तो ये हिसाब किताब है, टैक्सी से ना घूम के आप बाइक में घूमिए, उसमें ज़्यादा मज़ा है। तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी, मैंने आपको दे दी इंडोनेशिया बाली की। देखते हैं अब रिचार्ज कितने का होता है और बाइक कितने की मिलती है, और वो सब आपको मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ये चालू हो गया, ढाई हज़ार, 1, 2, 3, 4, 5 लाख रुपए हम यहाँ आके मिलीनियर बन गए। अपने इंडिया के 2,500 रुपये और यहाँ के 5 लाख। ये है बैंक BRI ATM, 5 लाख रुपए निकाल लिए, हम बन गए मिलीनियर। इंडिया के 2,600-2,500 रुपए होते, और अब रिचार्ज कराएंगे, टेलीकॉम सिम की सिम तो पड़ी है ऑलरेडी, तो देखते जो 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 पहले होता है वो करेंगे, पैसे तो आएंगे, तो सब कुछ एक साथ यूँ होगी हर चीज़। और 2,500 रुपये अभी हमारे पास पड़े हुए इंडियन रुपीज़ में, सिर्फ 2,500, 5 लाख रुपये यहाँ के। देखते हैं सिम यहाँ पर, सिम क्या, सॉरी रिचार्ज यहाँ होता है कि नहीं होता। ये है टेलकॉम सेल यहाँ का, इंडोनेशिया का, और डीजी मलेशिया का, तो दोनों सिम है मेरे पास, दोनों चालू है, दोनों के नेटवर्क आ रहे हैं, तो अभी देखते हैं कितने का रिचार्ज है। 62 यहाँ का कोड कंट्री है इंडोनेशिया का। एनी ऑफर चेक प्लीज़। ये पानी की बोतल ली है अभी मैंने, 4,500 रुपये की है ये बोतल, 4,500 रुपये होते करीबन 23 से 24 रुपये, अभी मैं कन्वर्ट करके बता दूंगा। अभी मैंने देखा था ये है 23.5 रुपये का, इस आई एम राइट 23 रुपये का 1.5 लीटर पानी, इससे सस्ता क्या चाहिए यार। अपने इंडिया में भी 30 रुपये का मिलता है 1.5 लीटर पानी, 30 रुपये या 35 रुपये, और यहाँ का लोकल ब्रांड है, जैसे अपने इंडिया में बिस्लरी है, और यहाँ पर लोकल ब्रांड है एयर मीनम। रिचार्ज करा दिया, रिचार्ज हमने 70,000 रुपये का रिचार्ज कराया, करीबन 365 रुपये होते,
और 4000 रुपीज़ ने एक्स्ट्रा रुपीज़ दिए, 4000 रुपीज़ होते 20 रुपये, तो मैंने कहा कोई बात नहीं ले ले भाई 20 रुपये, 4000 रुपये मतलब 74000 रुपये का रिचार्ज पड़ा करीबन होते 385 रुपये। तो गाइस ये है इसका स्टेच्यू यहाँ का, ये देखिए आप, बरुना बाली हॉलीडे इन रिजॉर्ट। क्या सिस्टम है यार यहाँ का, कितनी रोड क्लीन है। और ये यहाँ पर आप आते हो तो यहाँ पर बहुत सारे मार्ट है, जो जैसे अल्फा मार्ट हो गया, इंडो मार्ट हो गया, तो वहाँ से परचेस कर सकते हो। जो पानी की बोतल ली है मैंने वहीं से परचेस करी है, जो भी परचेस करना है आपको इंडो मार्ट और अल्फा मार्ट, बहुत सारे मार्ट है यहाँ पर, वहाँ से परचेस कर सकते हो कोल्ड ड्रिंक, ड्रिंक्स, फूड। और ये देखिए गाइस, ये है मिनी मार्ट, 24 आवर्स खुला रहता है, ये लिखी है 24 आवर्स, ये मिनी मार्ट। फॉरेनर काफ़ी आते हैं यहाँ पर, ये देखिए आप, फॉरेनर अल्टीमेट है यार बाली भी। आने वाले टाइम पे मैं 1-1.5 महीना रहने वाला हूँ यहाँ पर, 1 से 1.5 महीना रहूँगा मैं यहाँ, और वर्क भी मैं यहीं करूँगा, काम भी मैं यहीं करूँगा, और घूमूँगा फिरूँगा, एक्सप्लोर करूँगा पूरे देश को, बाली को, पूरे बाली आइलैंड को। चलिए मैं आपको अपना एक झलक मेरे रूम टूर और होटल टूर की दिखाता हूँ। इस होटल का नाम है द रेडियंट होटल एंड स्पा, ये कोटा में पड़ता है, 3-स्टार प्रॉपर्टी है। इस होटल में एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज़ है। रूम मैंने जो बुक करवाया है वो भी 1100 रुपये में इंडियन रुपीज़ पर नाइट विथ 2 पर्सन विथ फ्री वाईफाई। यार ये है ना कमाल का सस्ता और बढ़िया। सो गाइस आराम से आप आ सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। ये होटल बिल्कुल एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक में पड़ता है, ओनली 2 किलोमीटर। होटल तो बता ही दिया 1100 रुपये पर नाइट, इससे सस्ता और क्या चाहिए। ये है 5-स्टार होटल, ये भी ले सकता था मैं, मगर कोई मतलब नहीं है इतना पैसा खर्च करने का, क्योंकि आप होटल में तो रहोगे नहीं, यहाँ एक्सप्लोर करने आओ ना कि होटल के अंदर रहने के लिए। गाइस यहाँ एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं, बाहर कभी भी मेन्यू आप रेस्टोरेंट में एंट्री करते हो ना, बाहर ही एक टेबल लगी थी, वहाँ मेन्यू लगा रहता है, उस मेन्यू को पढ़ लो, समझ में आता है तो आप एंट्री करो, अंदर जाओ खाना खाओ कोई भी रेस्टोरेंट में। ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं आ तो आपकी बेइज्जती होगी, ऐसा कुछ नहीं है, अपने बजट का काम है यार, हर इंसान अपने बजट से चलता है, तो आपको आपके बजट में वो सही है लगता है आपको तो आप वहाँ बैठ के आप खाना खा सकते हैं। सात्विक इंडियन प्योर वेजिटेरियन फूड, अब बताता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में कि ये महंगा है, कॉस्टली है, देखते हैं। 25,000 का नान, नान ठीक है, ठीक है, ये तो सही चलेगा। हेलो कढ़ाई पनीर 96.95, ओके वही रेट है ना, वही रेट है सर, चलें फिर। थैंक यू गाइस, ये भी बहुत कॉस्टली है, तो यहाँ पर भी मत आइए आप, अब देखते हैं किसी और जगह चलते, मतलब क्या एक कहावत है ना, जितना बड़ा नाम वो तो दर्शन छोटे, जितना बड़ा नाम दर्शन छोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, पर इनके दर्शन भी बड़े हैं, इनके तो नाम भी बड़े हैं और दर्शन भी बड़े हैं, प्राइस भी बड़ी है, 1,00,000 रुपये की सब्जी, 500 रुपये की इंडियन रुपीज़, 500 रुपये। अपने इंडिया में चाइनीज़ लोग आते हैं ना और जापानीज़ लोग होते हैं, US के लोग आते हैं, तो उनका जो कल्चर वाला फूड होता है वो भी अपने इंडिया में महंगा ही मिलता है गाइस, तो इसमें सोचने की बात नहीं है। आप इंडियन फूड कहीं भी वर्ल्ड में खाएंगे ना तो महंगा ही मिलेगा, कुछ कुछ मेजर सिटीज़ में जो बड़ी बड़ी नामी जानी मानी बड़ी बड़ी सिटीज़ है। और 2 हेलमेट प्रोवाइड कर रहे हैं ये देखिए, ये बाइक है यामा एन मैक्स, ये बाइक ले ली है अभी हमने, मैंने और नीलम ने, और हम सीधे जा रहे हैं अब पेट्रोल पंप, पेट्रोल पर आएंगे, और पेट्रोल का प्राइस मैंने आपको बता दिया। और ये बाइक मेरे को मिली है 500 इंडियन रुपीज़, मतलब 1,05,000, मतलब 5,000 ज़्यादा लिए इसने, अब वो मेरे को पता नहीं, 5,000 की कॉस्ट 25 रुपये होती है, तो मैंने कहा चलो दे देते कोई दिक्कत नहीं, 1,05,000 में बार्गेनिंग करके, आप ज़रूर यहाँ आए तो बार्गेनिंग ज़रूर करिए। और अब जाते हैं हम एक्सप्लोर करने, पेट्रोल भराएंगे और सीधे एक्सप्लोर करेंगे, हर पेट्रोल पंप की अलग अलग प्राइस है, तो गाइस वहाँ जाके थोड़ी देर में बताता हूँ आपको क्या रेट है। यामा एनमैक्स बहुत पावरफुल बाइक है, मज़ा आ जाएगा उसको चलाने में, और अब करेंगे सिटी को एक्सप्लोर थोड़ी देर में। इन्होंने यूँ कह दिया, अभी मैंने यहाँ से 4 बजे बाइक ली है, 24 घंटे के लिए मिलती है, एक दिन के लिए, मतलब 24 घंटा पूरा एक दिन, तो अब ये कह रहे हैं कि 1 घंटा मेरी तरफ से फ्री है, 5 बजे आप दे दीजिए, 5 o'clock 5 PM टुमारो। तो गाइस थैंक यू सो मच, करीमा काशी सामा।
तो गाइस चलते हैं। गाइस मेरी बाली में आके बाली गिर गई कान की, ये देखिए वो प्राइस है यहाँ पर जैसे अपने इंडिया में होते हैं, एक तो 90,000 है, ओके ओके ओके, और एक है 70.37। पेट्रोल पंप पर आते ही अब देखते हैं 7,650 का है। मैं हूँ आपका अपना MD स्ट्रॉलर। गाइस आज GoPro शूट नहीं किया क्योंकि बरसात हो रही थी यहाँ पर, तो मुझे शूट करने का मौका नहीं मिला। तो अभी मौका मिला है तो आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि आप बाली में जब भी आते हैं तो यहाँ इंडियन फूड तो आपको मिल जाएंगे मगर इतने कॉस्टली मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। करीबन ये कोई भी आप वेजिटेरियन सब्जी या फिर नॉनवेज में आप कुछ भी मंगाते हैं तो 450 रुपए की एक सब्ज़ी आएगी, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी भी बहुत कम होगी। तो भाई एक चीज़ मैं यहाँ का निंजा टेक्निक बताता हूँ, यहाँ पर डोमिनोज़ है तो वेजिटेरियंस लोगों के लिए डोमिनोज़ में 3 ऑफर है, 3 पिज़्ज़ा हैं, तो वो पिज़्ज़ा खा के भी आप अपना गुजारा कर सकते हैं। और यहाँ पर वेजिटेरियन फूड भी मिल जाता है आसानी से, मतलब लोकल फूड खा सकते हैं। इंडियन फूड आप कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे ना तो इंडियन फूड महंगा ही होगा, हम इंडियंस को भी महंगा ही मिलेगा बाली में खाना इंडियन फूड। तो आप इंडियन फूड को अवॉइड करके आप डोमिनोज़ में पिज़्ज़ा खा सकते हैं, डोमिनोज़ भी बहुत अच्छा है। तो हमने तो आज डोमिनोज़ में लंच किया, और बात यह है कि यहाँ पर पेट्रोल बहुत सस्ता है और प्लस पेट्रोल की प्राइस हमने दी है, पेट्रोल का प्राइस कहीं 37 है, कहीं 38 है, कहीं 39 है, कहीं 40 है, मेरा लगा 39 रुपीज़। तो हर जगह का पेट्रोल अलग अलग ब्रांड के अलग अलग कंपनी के यहाँ पेट्रोल पंप है तो उनके सबके प्राइजेस 37 से 40 रुपीज़ तक पर लीटर है। और प्लस यहाँ पर आपको मैंने मार्ट से मैंने बोतल का बताई था, पानी की 1.5 लीटर की बोतल मात्र 23 से 24 रुपये की है, तो पानी और पेट्रोल बहुत सस्ता है। डिवाइस मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।